हेलो दोस्तों, आज मैं सेम फली की सब्जी बनाऊंगी, वो भी एकदम अच्छे से कम टाइम में। और ऐसा सब्जी बनेगा ना, ये सब्जी बड़े छोटे बड़े सभी को पसंद आएगा, जिसे ना पसंद हो वो भी पसंद करेगा। सबसे पहले सेम फली को धुल लेंगे और धुल के इसे काट लेंगे और दोनों तरफ का जो रेशा होता है उसे निकाल लेंगे, एकदम सारे अच्छे से काट लेंगे। देखिए मेरा सेम फली कट गया और मेरा बाकी सब्जी अभी कट चुका है। अब मैं कढ़ाई रख दूंगी और कढ़ाई को गर्म होने दूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी। और तेल डालकर दो आलू काट कट करके रखे थे हम, इस आलू को थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद हम सेम फली को भी इसमें डाल देंगे, दोनों को अलग अलग नहीं भूनेंगे, एक ही साथ ही भून लेंगे। और भूनने के बाद जो हम बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब कुछ हम रख चुके हैं। अब इसे हम, जब तक ये मेरा भून रहा है तब तक मैं पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट में हम हरी मिर्च, लहसुन और अदरक और प्याज, टमाटर, ये सारे चीज़ हम थोड़ा थोड़ा डाल के पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा टमाटर और प्याज हम रख लेंगे। और देखिए पेस्ट बन चुका, इधर मेरा सेमफली भी अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और दो चम्मच तेल और डालेंगे। ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार बन करके रेडी होता है। दो चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें हम पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन में जीरा, मेथी, सौंफ, राई, ये सब कुछ होता है और कलौंजी भी होता है। और थोड़ा प्याज हम बारीक काट के रखे थे उसे डालकर थोड़ा सा भुनेंगे। और इसमें कलर लाने के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे पास ट्रिक है, और हम जो पेस्ट बना के रखे थे ना उस प्याज में डाल देंगे, भुनता रहेगा और बिना लाल मिर्च के ये सब्जी एकदम कलरफुल और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके रेडी होगा। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाएंगे ना तो बिना लाल मिर्च के आपका सब्जी बहुत ही सुंदर दिखने में लगेगा, एकदम मस्त सब्जी होगा। ये है चुकंदर। चुकंदर को हम बारीक बारीक काट देंगे और डाल देंगे मसाला में ही, इससे मसाला का रंग बहुत अच्छा आएगा। और फिर हम नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से इस मसाले को अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास अब एक कोई मसाला हो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, आपके पास जो बेसिक मसाला आपके घर में पड़ा हो इसे डाल सकते हैं। और एक चम्मच इसमें राई पाउडर डालेंगे। राई पाउडर एकदम ज़रूरी है डालना, इससे क्या होगा ना सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए मेरे मसाला का कलर कितना प्यारा, और एकदम अच्छे से मसाला भून चुका है। अब हम इसमें आलू और सेम फली जो भून के रखे थे ना उसे डाल देंगे और ये अच्छे से भून लेंगे। ये तो एकदम अच्छे से भून चुका है, थोड़ा सा और चला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, धनिया पत्ता और कसूरी मेथी डालकर मिला लेंगे अच्छे से। और आधा कप पानी डालेंगे, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी का ज़रूरत नहीं है इसमें। ग्रेवी और आप चाहें तो बना सकते हैं, पर ये सब्जी ना बिना ग्रेवी का ही टेस्टी होता है। तो ये मेरा सब्जी एकदम बन चुका है। अब हम इसमें फिर से एक बार और धनिया पत्ता डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दो बार हम इसलिए डालते हैं ना, एक बार जो डालते हैं अच्छे से सब्जी में मिल जाता है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर ऊपर से डाल देने से ना इसमें सब्जी का टेस्ट और दुगुना बढ़ जाता है। और फिर ये मेरे सब्जी का कलर देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर ये सब्जी बन करके रेडी हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।